दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। तो आपको पता है कि पीजी कोर्सेज की कट ऑफ रैंक आ चुकी है और पीजी कोर्सेज की सीट अलॉटमेंट लिस्ट भी आ चुकी है डॉक्टर हरि सिंगौर यूनिवर्सिटी की। यानी अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो अलॉटेड लिखा आपके उसमें आ जाएगा। तो ये सब आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, dhsgsu.ac.in यह ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा जो यूजी कोर्सेज हैं जो डॉक्टर हरि सिंगौर यूनिवर्सिटी के, उनकी मेरिट रैंक लिस्ट आ चुकी है। यानी जितने बच्चों ने अप्लाई किया था काउंसलिंग में यूजी कोर्सेज में, तो उनकी आप रैंक देख सकते हैं। जैसे आपने अप्लाई किया था तो आपकी कौन सी रैंक है, अब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं, यह जब आपको सीट अलॉट होगी। जैसे आज पीजी वालों को हो गई पीजी कोर्सेज सीट अलॉटमेंट लिस्ट, ऐसी अब यूजी कोर्सेज सीट अलॉटमेंट लिस्ट आएगी अब, तो जब आपको पता चल जाएगा। तो अब हम इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पीजी कोर्सेज जो कट ऑफ रैंक है और अलॉटमेंट लिस्ट कहाँ से डाउनलोड करनी है, तो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करनी है dhsgsu.ac.in पर जाकर, ठीक है। और जो यूजी कोर्सेज हैं उनकी भी रैंक लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या करना है, इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सब देखेंगे। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, dhsgsu.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट है। यूजी की रैंक लिस्ट आ चुकी है, पीजी की सीट अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है और पीजी की कोर्स कट ऑफ रैंक भी आ चुकी है। तो ये हम जान चुके हैं। अब हम इसमें जानेंगे पीजी स्टूडेंट को फीस कब पे करना है। तो जो पीजी कोर्सेज वालों को आ चुका है कि उनको सीट अलॉट हुई या नहीं, तो वो जो फीस पे करने का जो टाइम है वो है 9 से 12 दिसंबर, ये डेट है एक 9 से 12 दिसंबर तक, यानी कल से, आज 8 तारीख है, तो 9 से 12 दिसंबर तक पीजी के जो स्टूडेंट हैं वो अपनी फीस पे कर सकते हैं। फीस कितनी पे करनी है मैंने बता दिया था, सेमेस्टर की फीस है और फीस आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे ये है पीजी वालों का, तो एमएससी में जैसे उन्हें 4650 रुपये पे करने हैं या एमसीए में कितने पे करने हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, एनसीएल और पीडब्ल्यूडी, इनके लिए फीस अलग है। तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 525 रुपये है। इसके अलावा अदर के लिए जो फीस है, यानी अनरिजर्व, ओबीसी, सीएल कैटेगरी और डिफेंस कैटेगरी, उनके लिए फीस आप ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं और मैंने पिछली वीडियो में अभी आपको बता दिया था। जैसे एलएलएम के लिए आपको 5150 रुपये पे करने पड़ेंगे, एमएड के लिए आपको 6650 और एमकॉम के लिए कितने हैं 3650। तो ये पूरे आप यूजी वालों के लिए भी देख सकते हैं। और ये फीस कितनी है, एक सेमेस्टर की है। स्टूडेंट काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे थे ये फीस अपन को एक सेमेस्टर की फीस पे करनी है या एक ईयर की, तो ये एक सेमेस्टर की फीस है। और दूसरी बात ये है, उन्हीं को फीस पे करनी है जिनका जो पीजी वालों को अभी करनी है, यूजी वालों को तो अभी करनी नहीं है, पीजी वालों को 9 से 12 दिसंबर तक पे करनी है जिनको अलॉटमेंट में अलॉटेड लिखा आ गया है। नेक्स्ट है पीजी वालों को फीस कहाँ पे करनी है, तो ये आपकी फीस ऑनलाइन पे होगी, इसका नोटिस वगैरह आएगा कैसे पे करनी है, अभी नहीं आया है, वो आ जाएगा, या तो आपकी ओएमपी ऑनलाइन से पे होगी या जनरली जो पहले के ओल्ड स्टूडेंट पढ़ते हैं उनकी जो फीस पे होती है सेमेस्टर वाइज, उनकी स्टूडेंट एक फीस पोर्टल है उस पर पे होती है, तो आपको पता चल जाएगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप ऑनलाइन शॉप से भी पे करवा सकते हैं फीस, आप मोबाइल से खुद भी ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो फीस ऑनलाइन पे होगी और जिनको सीट अलॉटेड हो गई है उन्हीं की फीस पे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजी रैंक आ गई है, अब सीट अलॉटमेंट कब होगा। तो यूजी वालों की अभी रैंक आ गई है, जैसे कि एलएलबी है या बीए एलएलबी है, तो इसमें आपकी रैंक आई है अभी कि इतने बच्चों ने काउंसलिंग, जैसे काउंसलिंग में अप्लाई किया था 100 बच्चों ने, तो उनकी रैंक आ गई कि 100 में इस हिसाब से रैंक कौन सी है। तो अगर सबका नाम आ गया इसका मतलब ये नहीं कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे कि 40 सीट्स हैं और इसमें 100 के नाम आ गए अभी, तो 40 में जरूरी नहीं है कि टॉप 40 का ही सिलेक्शन हो, अपन सोच रहे थे कि टॉप 40 का एडमिशन होगा, ऐसा नहीं है, इसमें रिजर्वेशन बेस होगा, तो वो रिजर्वेशन की सीट्स हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो यूजी रैंक यानी और पहले की वीडियो थी उनमें हमने देख लिया कि किस कोर्सेज में कितनी सीट किस कैटेगरी के लिए हैं। तो यूजी रैंक आ गई, अब सीट अलॉटमेंट कब होगा, इस क्वेश्चन का आंसर 11 दिसंबर। यूजी वालों को जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं यानी जो 12th के बाद जिन्होंने अप्लाई किया था, तो उनको सीट अलॉटमेंट होगा 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को उन्हें पता चल जाएगा कि वो फीस भरने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। नेक्स्ट है यूजी फीसेस कब भरना है, तो अभी देखा था यूजी वालों को फीस कब से कब तक भरना है, 11 से 13 दिसंबर। तो 11 से 13 दिसंबर यूजी वालों को फीस भरना है। नेक्स्ट है दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड अपडेट आती रहे। नेक्स्ट है फीस सेमेस्टर की पे करना है या ईयर की, तो यहाँ पर आपको पता है सेमेस्टर वाइज चलता है डॉक्टर हरि सिंगौर यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में कहीं कहीं पर ईयरली चलता है, तो यहाँ पर आपको जो फीस पे करनी है वो एक सेमेस्टर की है यानी 6 महीने की आपको यह फीस पे करनी है। ऑनलाइन फीस पे कर सकते हैं, नोटिस आ जाएगा, पीजी वालों को अभी पे करनी है, नोटिस आ जाएगा कि आपको या तो एमपी ऑनलाइन के थ्रू या कोई और लिंक देंगे उसके थ्रू आप फीस पे कर सकते हैं।
फीस के लिए एलिजिबल वही होंगे जिनको अलॉटमेंट जो वो अलॉटमेंट सीट आई है उसमें अलॉटमेंट लिस्ट में लिखा है उनका नाम, उन्हीं को फीस पे करनी है। फीस कितनी पे करनी है तो अभी ऑफिशियल साइट पे हमने देखा था, ऑफिशियल साइट पर आप जाकर देख सकते हैं कितनी फीस पे करनी है। और मैंने आपको अभी वीडियो शुरू में पहले ही बता दिया था कि कितनी फीस पे करनी है। नेक्स्ट है पीएचडी का इंटरव्यू कब होगा, तो पीएचडी वालों का जो यूनिवर्सिटी ने नोटिस दिया था उसमें लिखा था कि 10 के बाद आपका इंटरव्यू हो सकता है। तो जनरली 10 तारीख 11 तारीख तक आपको एक नोटिस आएगा, उसमें शायद पता चल जाएगा कि आपका इंटरव्यू कब होगा। मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से 15 तारीख के बाद होगा आपका, 20 तक आपका इंटरव्यू हो सकता है पीएचडी कैंडिडेट का, तो 20 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, आपके कुछ डाउट हैं या इससे रिलेटेड, तो देखिए फीस है आपको कितनी फीस बननी है, यहाँ पर लिखा है कैटेगरी वाइज फीस डिटेल्स अंडर ग्रेजुएशन कोर्स, ये यूजी वालों के लिए है और यह है अनरिजर्व ओबीसी सीएल एंड डिफेंस कैटेगरी के लिए। जैसे बीए की फीस कितनी है, 2600 रुपये एक सेमेस्टर की है, बीए बीएड की 4600 है, बीएफए की 3600 है, बीकॉम की कितनी है 2600 है। इसी प्रकार अगर आप लेकिन अगर आप इन्हीं कोर्सेज में एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी ओबीसी एनसीएल और पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको फीस 275 रुपये पे करनी है, ये यूजी की है। और पीजी वालों के लिए ये है फीस और ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये उनके लिए पीजी वालों के लिए है। इसके अलावा जो मेरिट लिस्ट है वो आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से। तो आज आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो न्यूज़ एंड नोटिस कॉलम में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है एडमिशन पीजी कोर्सेज कट ऑफ रैंक, एडमिशन पीजी कोर्सेज सीट अलॉटमेंट लिस्ट और कंप्लीट मेरिट रैंक लिस्ट ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज 2021। तो ये सब आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कितनी सीट अलॉट हुई है, जैसे एमबीए है तो इसमें क्लियरली मेंशनड है कि अगर आपकी रैंक 1 से 25 तक है तो आपको सीट अलॉट हुई है, अलॉटमेंट लेटर में आपका यस लिखा आएगा। तो इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहिए। अब बात करते हैं पीजी वालों को क्या करना है, अब तो उनकी अब फीस पे होगी। देखिए 8 तारीख को अलॉटमेंट ऑफ सीट हो गई उनकी, जो कि काउंसलिंग शेड्यूल में भी था। अब उनकी पेमेंट फीस कब से होगी, कल से होगी 9 तारीख से 12 तारीख तक। फीस पे का जो भी होगा या तो नोटिस आएगा या फिर आपको जनरली एमपी ऑनलाइन या पोर्टल पर कहीं भी आपको फीस पे करने का बता सकते हैं। तो 9 से 12 तारीख तक फीस पे होगी, जो फीस पे नहीं करेगा तो वो सीट वैकेंट हो जाएगी, ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो फीस पे करने का आपको काफ़ी अच्छा टाइम है 9 तारीख से 12 तारीख तक। इसके अलावा अब यूजी वालों का क्या होगा, अब उनको 11 तारीख को अलॉटमेंट सीट मतलब उनको पता चल जाएगा कि उनको सीट अलॉट हुई है कि नहीं, 11 तारीख को उनका फाइनल हो जाएगा। फिर उनको 3 दिन लगेंगे, 11 12 और 13 फीस पे करने का 3 दिन का टाइम उनको मिल जाएगा। तो ये सब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। और वीडियो को आप दोस्तों आप लाइक करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और कुछ डाउट है तो आप कमेंट करिए। तो इस वीडियो में हमने जाना यूजी वालों को फीस कब पे करनी है, पीजी को फीस कब पे करनी है, पीएचडी का इंटरव्यू कब होगा और मेरिट से कुछ क्वेश्चन देखे, फीस देखी, फीस कितनी पे करनी है। तो आप जो ऑफिशियल साइट है उस पर सब कुछ जानकारी है, आप विजिट करते रहिए और जो भी जानकारी होगी या जो भी होगी तो मैं भी आपको बताता रहूँगा। और भी यूट्यूब चैनल है तो उनसे आप सब्सक्राइब करिए और अवेयर रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।